welcome guys. I am Mohammed Saif Izzama, Assistant Professor in Leather and Footwear Technology Section, Aligarh Muslim University, Aligarh University Polytechnic. Today I will tell you how the shoe designing is done along with my team. My team consists Mr. Jabir, Mr. Arif and Mr. Taufik, who will collectively make this video. In these videos, first of all, in part 1, we will see how the masking of a shoe last is done, then how the mean form of a last is made, and then on that mean form, how the standard for any type of shoe can be done. In the last part, we will see that the derby shoe standard and patterns are made. So let us start. कोई भी शू डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास लास्ट होना चाहिए जिसके ऊपर हम मास्किंग करेंगे. हमारे डिजाइन करने के लिए ये सारे टूल्स हमारे पास होने चाहिए जिसका नाम हमारा ये 50 mm का टेप है, मास्किंग टेप बोलते हैं इसको. ये 25 mm का टेप है और इसके बाद ये स्केल की हमें जरूरत पड़ेगी. और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास कटिंग नाइफ होना चाहिए और ये कटिंग मैट, इसकी भी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है डिजाइनिंग के लिए. और हमारे पास ये डिवाइडर भी होना चाहिए, इरेजर, पेंसिल और ये हमारा सोल मेजरिंग टेप है, इसका भी होना हमारे पास बहुत ही जरूरी है. चलिए शुरू करते हैं हम डिजाइनिंग करना डर्बी शूज. ये हमारा लास्ट है और हम मास्किंग करना सीखेंगे कि मास्किंग कैसे करते हैं लास्ट शू पर. तो चलिए शुरू करते हैं काम, मास्किंग सीखते हैं. सबसे पहले हम 25 mm का टेप लेंगे और लास्ट के सेंटर पे इस तरीके से पेस्ट कर लेंगे. बैक पे भी पेस्ट कर देंगे. इस तरीके से फिर फ्रंट पे हम टेप लेंगे. ओवरलैपिंग जो हम करेंगे, ओवरलैपिंग हमारा मिनिमम 10 mm होना चाहिए. टेप एक टेप दूसरे टेप के ऊपर चिपका होना चाहिए जिससे रिमूव जब हम करेंगे टेप को लास्ट के ऊपर से तो एक दूसरे टेप जो है एक दूसरे से अच्छे से पेस्ट हुआ हो, चिपका हो. यहां पे रिंकल आएगा फ्रंट पे हल्का फुल्का. आप देख सकते हैं ओवरऑल हमारा लास्ट ढक चुका है मास्किंग टेप से. जो भी एयर पॉकेट आ रहा है, पॉकेट बनाए या रिंकल बनाए, इसको रब कर लेंगे जिससे हमारा मास्किंग टेप का एजेस एक दूसरे से अच्छे से चिपक जाएगा पेस्ट. ये जो एरिया है एक जो मास्किंग हो चुका है इसको हम कट करके रिमूव कर देंगे. वैसे ये लास्ट के नीचे का ये जो एजेस है इसको फेदर एज बोलते हैं. इस एज के बाद से जो हमारा एरिया है मास्किंग टेप जो चिपका हुआ उसको कट करके रिमूव करेंगे. उसके लिए क्या करना है, पेंसिल लेके देख सकते हैं ऐसे करके मार्क आपको दिखेगा, उसको हम कट करके रिमूव करेंगे. जब भी रिमूव करेंगे टेप हम फ्रंट पोर्शन से करेंगे जिससे टेप आसानी से इजली हमारा लास्ट के ऊपर चिपका हुआ है रिमूव हो जाएगा. ये कट करने के बाद इस तरीके का लास्ट, वैसे ये पोर्शन भी हम कट कर लेंगे मार्क करके.
How a mean form from this masking is made. Please keep on watching. Thank you very much.